नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लास्ट वीडियो मसूरी पे और देहरादून के स्ट्रीट्स का था, आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। तो ये वीडियो मसूरी मॉल रोड पे होगा, आगे चलते हैं। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो शब्द मॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने इंटरनेट से पता किया कि 17वीं शताब्दी में मॉल शब्द का अर्थ सैरगाह हुआ करता था। ये जो सड़क का जो विस्तार है जहाँ पर लोग लंबी लंबी जो सैर करना पसंद करते थे, पेड़ों के छाँव में, उसको कहते थे मॉल रोड। उसके बाद जब 18वीं शताब्दी हुई, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा, तो उन्होंने अपने सैन्य जो जहाँ क्षेत्र हुआ करते थे उसी आवासीय क्षेत्र में ये मॉल रोड बनाना स्टार्ट किया। मॉल का मतलब जो मुझे दिखा वो ये है, वाओ ये बिल्डिंग कितनी सुंदर है दोस्तों, विस्परिंग विंडोज। तो हम बात कर रहे थे मॉल का मतलब क्या है हिंदी में। अगर ये मतलब जानना है दोस्तों, तो मॉल का मतलब है विवाहित आवास और लिविंग लाइन रोड। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैरिड एकोमोडेशन एंड लिविंग लाइन रोड, MALL। क्या आपको पता था दोस्तों? हमें बताएं कमेंट्स के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जब तक अंग्रेजों का शासन रहा, उन्होंने जहाँ जहाँ भी वहाँ रहे उन्होंने मॉल रोड्स बनाए, क्योंकि वो इस देश की, भारत की जो गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो हर हिल स्टेशन में वो जाके, चाहे वो शिमला हो, मनाली हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, सिक्किम में हो, दार्जिलिंग हो, सब में उन्होंने एक एक मॉल रोड बनाया है। तो उसमें से सबसे सुंदर जो मॉल रोड है वो है मसूरी का। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मसूरी जाना जाता है और इसका मॉल रोड सच में बहुत सुंदर है। ये देखिए, अक्सर लोग चाहते हैं कि वॉक करें, और इली रीजन पे तो वॉक के छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग जो रोड वो मॉल रोड्स होते हैं किसी भी हिल स्टेशन के। तो ये कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में होता है, तो आपका अच्छा खासा वॉक हो जाता है। वैसे ही एक मॉल रोड पे अब हम चल रहे हैं, वो है मसूरी का, बहुत ही फेमस है। दोस्तों ये देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है, बादलों के बीच। मसूरी का जो मॉल रोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पे है। दोनों जो एंड है, दोनों जो सिरा है, पहला जो है सबसे फेमस जिसको कहते हैं लाइब्रेरी चौक, वहाँ पर गांधी स्टैचू है। वहाँ से अगर हम चलते हैं कम से कम 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच जाएंगे कुलरी बाज़ार, जो कि पिक्चर पैलेस लोकेशन पे है। और ये दोनों ही तरफ यहाँ पर इस रोड के काफ़ी सारे होटल्स, खाने पीने की जगह, रिटेल के ऑप्शंस है, लोकल काफ़ी सारे फ्रूट्स के दुकान हैं। आप इस रोड पे अभी आप देख पा रहे हैं, बहुत ही जिसको कहते हैं कि आपका मॉर्निंग और इवनिंग वॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप यहाँ पर अपना स्टे के दौरान इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये वॉक, ये देखिए कितना सुंदर। हम बादलों के बीच में से जा रहे हैं, काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर मॉल रोड पे। और रात को भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा वेल लिट एरिया रहता है। ये देखिए सामने आपको दिखा,
लैम्प पोस्ट बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से बनाया हुआ है लैम्प पोस्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यहाँ गाड़ियाँ अलाउड है लेकिन 10:30 से रात के 11 बजे तक अलाउ नहीं है इमरजेंसी व्हीकल छोड़ के। तो ये आप देख पा रहे हैं हमने रिक्शा लिया, लाइब्रेरी चौक से ही आपको रिक्शा मिल जाएगा। और यहाँ पर जो गोंडोला है गनहिल पॉइंट के पास वहाँ तक ये रिक्शा चलता है, 100 रुपये लेंगे। हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये रहा कि हमें नहीं मालूम था कि ये रिक्शा पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ये कल से हो रहा है कि आज से हो रहा है ये इतना धुआं धुआं? तो महीना हो गया सर, 1 महीना हो गया, पूरा महीना, 1.5 महीना हो गया। ये कौन सा, ये कौन सा चौक है? ये कौन सा जगह है? बेलामाउंट रेस्टोरेंट बार। माल उड़े, पूरी माल उड़े। ये गवर्नमेंट के तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा क्योंकि अक्सर हिल स्टेशन में क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई उतराई इतना ज़्यादा रहता है। मसूरी का मॉल रोड बहुत ही समतल ज़मीन पे है तो यहाँ पर इस तरह का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलिए या इस तरह का नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए जिस तरह से इंजॉय कर सकते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्शा है। उस रिक्शे में अक्सर लोग इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जो रोड है बहुत ही ड्रामेटिक है और मैं तो कोशिश करूंगा आप लोग को यही रिक्वेस्ट और रिकमेंड करूंगा कि आप लोग या तो विंटर्स में या इस तरह का रेनी सीजन में आए तब यहाँ का ब्यूटी बहुत ही अलग लगता है। ये देखिए सुबह भी ऐसा ही होता है क्या भाई साहब? हाँ 24 घंटे हैं। गलत समय पे आ गया लग रहा है। शुरुआत में तो हमें एकदम पसंद नहीं आया लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बादलों के बीच रहना। दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों ने भी रस्किन बॉन्ड के थ्रू मसूरी को पहचाना है और ज़्यादा पास से आप महसूस कर पाएंगे मसूरी को अगर आप यहाँ पर आते हैं इस तरह का मौसम में जहाँ पर आपको मसूरी एक अलग ही रूप रंग में दिखती है। हमारा जो वेकेशन वो अगस्त महीने में रहा और हम पहले थोड़ा घबरा रहे थे कि हिल स्टेशन जो रेनी सीज़न में कैसे जाए कैसे रहेगा क्योंकि ये हमारा पहला ट्रिप रहा और हमारे लिए एक यादगार रह गया कि मसूरी इतना सुंदर हिल स्टेशन जो रेनी सीज़न में है वो और कहीं नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि आगे आने वाले सालों में जब भी मौका मिलता है अगर मसूरी आना हो हम रेनी सीजन में आएंगे। आप देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर है ये वॉक और ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है यहाँ पर लास्ट स्टॉपेज गनहिल पॉइंट के पास है। यहाँ पर गोंडोला का सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर उतरे और एक विजिट गनहिल पॉइंट पे भी जाए। दोस्तों अक्सर कहते हैं कि हिल स्टेशन का जो मिजाज है वो बहुत जल्दी बदलता है तो हमें भी ऐसा नहीं है कि जो भी दिन हम रहे वो इतना फॉगी रहा, काफ़ी अच्छा रहा। जिस दिन भी हम घूमना चाहा वहाँ पर सनराइज थे और हमने काफ़ी इन्जॉय किया मसूरी को। आप लोग भी जब भी आते हैं दोस्तों तो मसूरी को आप इन्जॉय कर सकते हैं। विंटर्स और रेनी सीजन में एक दूसरा प्राकृतिक जो माहौल है वो बदल जाता है। आपको स्नो
काफ़ी अच्छा मिलेगा। रेनी सीजन में ये फॉगी मिस्टी एरिया मिलता है। और आपका जो स्टे है, अक्सर लोग मॉल रोड इसलिए विजिट करते हैं यहाँ पर खाने पीने की, जो बहुत ही नाम किया हुआ रेस्टोरेंट्स है वो मिल जाता है, और जैसे सामान गिफ्ट सोविनियर्स के शॉप्स काफ़ी सारे रहते हैं ये कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के शॉप पे। तो अगर आप मॉल रोड इस तरह इस टाइम पे विजिट करते हैं तो आपका जो वॉक है बहुत ही यादगार रह जाता है दोस्तों। इस तरह के व्यू पॉइंट जो आपको दाहिने तरफ दिख रहा है दोस्तों, तो मैं कह रहा था ये जो दाहिने तरफ आपको जो व्यू पॉइंट दिख रहा है इससे वैली का व्यू दिखता है। तो जो अगर आप रहना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप कुलरी बाज़ार के तरफ जो लाइब्रेरी चौक के पास है वो वहाँ रहें। खाने पीने की जगह है काफ़ी सारे वहाँ पर होटल्स हैं, स्टे के लिए ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। और वहीं पर कैमल बैक रोड है जो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। हम आगे आने वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा उसको भी दिखाएंगे। तो बात हो रही थी कि मॉल रोड पे आप देखिएगा बाएं तरफ काफ़ी सारे लोकल जो वूलन के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ से आप वूलन खरीद सकते हैं। हिल स्टेशन में वूलन का बहुत ही प्रचलन अच्छा रहता है, यहाँ पर अच्छा वूलन के स्टफ मिलते हैं, आप लोग ये ले सकते हैं, यहाँ के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो हम रास्ते में आए हैं ये गन हिल से दो रास्ते डिवाइड हो जाता है, ये हम लेफ्ट के रोड पे आ गए हैं। ऐसे ही एक इसके पीछे, इस शॉप के पीछे एक रास्ता चल रहा है राइट से, जो फिर से एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फूड जॉइंट है, एक रेस्टोरेंट है कालसांग, आप इसी जर्नी में आपको दिखेगा वो लोकेशन। ये देखिए यही वो क्रॉसिंग है और कालसांग जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम आ गए। ये देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं राइट में से, ये जो रोड है ये गाड़ियों के लिए है। और ये देखिए फेमस एक स्टॉप पे आ गए हैं, बताइए कौन सा दुकान है ये दोस्तों। पता कर पाए, ये देखिए ये देखिए हम कहाँ पहुंचे हैं, नहीं पहचाना दोस्तों, जरा गौर से देखिए इस पिक्चर को, इस फोटो को, लेजेंडरी, अभी भी नहीं पहचाना दोस्तों। कैम्ब्रिज बुक डिपो, ये है रस्किन बॉन्ड का किताबों का जो संग्रहालय है वो दुकान है। तो हम कह रहे थे कि दोस्तों कि आप कभी भी आए किसी भी जगह पे, आप हिल स्टेशन पे अगर घूमने जा रहे हैं तो मॉल रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, क्योंकि इससे वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अपना आजीविका चलाने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। दूसरा, क्योंकि आप लेजर के लिए आए हैं, छुट्टियां बिताने आए हैं, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए आए हैं, तो मॉल रोड हमेशा एक आपको नए स्फूर्ति का महसूस कराता है। हमें तो ऐसा फील हुआ कि मॉल रोड पे और कुछ समय और ज़्यादा रहें, बट क्योंकि हमारा जो स्टे था काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए था, तो हमने सुबह और रात को हम मॉल रोड घूमने लगे। दोस्तों आपने देखा ये मॉल रोड कितना सुंदर है, एक से बढ़कर एक खाने पीने की जगह है। इसमें सबसे फेमस जो आता है वो है लवली ऑमलेट, उसके बाद मोती महल डीलक्स आता है, कालसंग आपने देखा, मोमोस्तीवर किचन है,
द ग्लेन रेस्टो बार है, बिंद्रा साउथ इंडियन है, नीलम्स रेस्टोरेंट है, अर्बन टर्बन बिस्ट्रो है, कैफ़े मद्रास है, कैफ़े किंगी है, ऐसे बहुत सारे खाने पीने की जगह है। ये देखिए अर्बन पंजाब, ये भी बहुत सुंदर जो बेकरी शॉप है चिक चॉकलेट, आप ज़रूर यहाँ ट्राई करिए, यहाँ हैंडमेड चॉकलेट्स बहुत फेमस है यहाँ पर। ये देखिए बादलों के बीच में से हम कैसे जा रहे हैं, दोनों तरफ एक से बढ़कर एक दुकानें, मतलब पूरा जो आपका स्टे है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो आपको फील होता है कि हम वेकेशन में आए हैं, जहाँ स्ट्रॉल करते हुए आप शॉपिंग भी करें, अपने लेजर टाइम में खाली वॉक ही करें, वही एक आपके लिए एंजॉयमेंट भी बन जाता है। हमारे लिए भी बहुत अच्छा स्टे रहा, और जो मौसम है उसके क्या कहने, आप महसूस कर सकते हो कि एक हिल स्टेशन का मौसम कैसा होता है, हमारे वीडियो के थ्रू आप देख पा रहे हैं। अक्सर लोग इस तरह के माहौल को महसूस करना चाहते हैं तो हिल स्टेशन आते हैं, और मसूरी परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश एरा के टाइप का जो घरें हैं, जो घरों का आर्किटेक्चर है, वो अभी भी रिटेन किया गया है। तो दोस्तों हम देखिए वहीं पर पहुंच रहे हैं जो कि सबसे फेमस हॉटस्पॉट है, लवली ऑमलेट। ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लवली ऑमलेट का शॉप है, यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ ऑमलेट मिलता है, हमने काफ़ी खाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि आप एक ब्रिटिश एरा में पहुंच गए हैं, क्योंकि वही कॉलोनियल स्टाइल के सारे जो घर है उसका लैंडस्केप है, रेलिंग डिज़ाइन देखिएगा, आर्किटेक्चर बहुत ही कैरिस्मेटिक है, और ऑब्वियसली दून वैली तो एक है ही। ये देखिए संदोज करके जो रेस्टोरेंट है बहुत फेमस है, ये हम पहुंच गए हैं कुलरी बाज़ार, इसी के साथ एक रास्ता लेफ्ट के तरफ निकल जाता है थोड़ा आगे जाके, वो है कैम्ब्रिज पैक रोड, वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं, बहुत ही अच्छा होम स्टेज भी है। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि आप अगर कहीं स्टे करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप कुलरी बाज़ार के तरफ ही रखिए, क्योंकि ये बहुत ही कोजी कॉर्नर बना हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए लेफ्ट पे जो रास्ता निकल जा रहा है, अभी एक गली आपने देखा वो कैमल्स बैक रोड में चला जाता है, और हम राइट साइड से जाएंगे। ये देखिए ये राइट साइड वाला जो है ये और भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने के जगह हैं, व्यू पॉइंट्स भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। यहाँ से थोड़ा आगे निकलते ही अच्छा व्यू पॉइंट है। कैसा लग रहा है दोस्तों, आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट्स के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह के जो स्टे होते हैं जनरली होना चाहिए कि आप क्लोज डिस्टेंस पे रहें, क्योंकि आपका जहाज से ज़्यादा समय घूमने में स्पेंड हो सके, और इवनिंग और सुबह के टाइम आप इसको एक्सप्लोर कर सकें। ये हम आगे बढ़ रहे हैं एक अच्छा व्यू पॉइंट के पास, और आपने पीछे देखा है पुलिस स्टेशन भी है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनाया गया है, पुराने जो घरों को उन्होंने ट्रांसफर करके आज के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों ये है कुलरी बाज़ार, और इसी के साथ में ये फेमस ट्रैवल कैफे जो है, ये फूड जॉइंट बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप ज़रूर यहाँ पर ट्राई कीजिए एक बार आके। कैसा लग रहा है देखिए,
बादलों के बीच में से हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कहते हैं ना, सातवें आसमान में है आप। सही में मसूरी, इसको ऐसे ही नहीं कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, बहुत ही प्यारा है। मतलब इतना हमें अच्छा लगा, अपनापन है इसमें, आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि आप आउट ऑफ प्लेस हो। तो फाइनली पहुंच गए हैं लास्ट पॉइंट, पिक्चर पैलेस मॉल रोड का। ये आगे जो आपको चेक पॉइंट दिख रहा है वहां तक गाड़ियां आती है, उसके अंदर ये मॉल रोड पे गाड़ियां एंटर नहीं होती है। और अब हम राइट से एंटर करके काफ़ी स्टीप स्लोप से हम नीचे जा रहे हैं। हमारा स्टे यहीं पर है। अक्सर लोग जब रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो उसी के बेसिस पे होटल का रेफरेंस या चॉइस हो जाता है। थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं कि आप लोकेशन भी आइडेंटिफाई कीजिए। हमारा तो एक थोड़ा सा बोल सकते हैं बैड लक रहा, या थोड़ा सा गुड लक। बैड लक ये कि ये जो स्टीप स्लोप है हमारे लिए हर दिन चढ़ना, क्योंकि अक्सर यहाँ गाड़ियाँ आती नहीं हैं, प्राइवेट टैक्सी से ही हो सकती है, या आप अपना खुद का टू व्हीलर है तो आप अप डाउन कर सकते हैं। तो ये बैड रहा हमारे लिए, लेकिन गुड ये रहा कि ये होटल का जो व्यू है ना, जो वैली व्यू है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के। क्योंकि आप पूरा फील कर सकते हो कि आप एक टॉप ऑफ द हिल पे स्टे कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो कुलरी बाज़ार है एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो दोस्तों ये देखिए, चलते चलते कहाँ पहुँच गए, बादलों के बीच में। वाओ, करिश्मेटिक, बहुत ही बेटर, बहुत ही बेहतरीन स्टे है ये। हम कहाँ जा रहे हैं लेकिन बड़ा मस्त लग रहा है। यही फायदा होता है कि आप अगर मौसम देख के आते हैं तो इस तरह का जो स्टे, जो भले ही यहाँ पर इतनी चढ़ाई होने के बावजूद भी हमें बहुत पसंद आया है। आप यहाँ से पूरी वैली व्यू देख पाएंगे। और दूसरी बात कि ये जो मसूरी का मौसम है ये काफ़ी जल्दी चेंज होता है। कुछ देर के बाद हमें यहाँ पर क्लियर स्काई मिला। आप लोग अगर मसूरी घूमना आते हैं तो कम से कम 2 दिन ऐसा रखिए अपने आइटिनरी में कि आप मॉल रोड घूमें, वहाँ पर लोकल जो खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ पर ट्राई कीजिए। रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे फेमस हैं, वहाँ पर आप टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा होटल सामने आपको मिलेगा। अभी तो दिख नहीं रहा है, बट जैसे ही आप थोड़ा पास जाएंगे तो आपको फील होगा बादलों के बीच। तो पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन सोत्रक माई लक्ष्य। एकदम आइसोलेटेड खड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा है, इसमें से व्यू बहुत अच्छा है दोस्तों। हमें हमने व्यू के लिए ही ये होटल चूज किया। आइए चलते हैं अंदर। बहुत ही कोजी सा। Thanks so much. Have a nice trip with us. ये देखिए हमारा जो रूम था वो सेकेंड फ्लोर पे था। ये देखिए कितना सुंदर, प्यारा, मॉडर्न एमिनिटीज के साथ रूम। और ये है वैली व्यू। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है बट आप महसूस करेंगे। ये हम खाने पीने के बाद, मतलब थोड़ा सा स्टॉल कर रहे थे रात को डिनर के बाद। यही हमारा कुलरी बाज़ार का स्टे, बहुत ही फेमस स्टे रहा दोस्तों। आशा करते हैं हमारे वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। यह हम ट्रेवल में खाना खा रहे हैं, जो आपको थोड़ा देर पहले व्यू में दिखा वीडियो में। बहुत अच्छा खाना रहा, ये नान और चिकन काली मिर्च लिए थे हमने। ये ट्रेवल का इंटीरियर है,
एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था, 10:30 बज गया था, तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोग अपने होटल वापस चले गए थे खाना खाने के बाद, हम लोग ही लास्ट रहे। आप भी इसमें एक बार ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का स्पेशलिटी चिकन है, आप यहाँ पर आके अपना स्टे और इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद हम स्टॉल करते करते पान की दुकान है पुलरी बाजार के ही एंट्रेंस पे, जहाँ चेक पोस्ट आपने देखा वहाँ पान खाए। ये देखिए किस तरह का पान का डिस्प्ले था, और फिर वापस अपने होटल में आ गए। अब देखिए बादलों के बीच में कैसा लग रहा है अपना होटल। तो दोस्तों आशा करते हैं आगे आने वाले वीडियो को भी आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए दोस्तों।